तुम सबको हम सब की तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। बाकी सब अभी तैयार नहीं हुए, इसलिए किसी को नमाज पढ़ के मर्दज रात सब लोग आ गए वापस, ठीक है। और मैं इनके आने से पहले ही ये बस सिंपल जिंदगी में पहली दफा ये इनके आने से पहले तैयार हो गई, ठीक है। जिंदगी में पहली दफा क्या, इतने ऐसे की शादी शुदा लाइफ में ये पहली बार ऐसा हुआ की ईद पे घर है, वरना तो ईद इनकी बस अभी चले जाएंगे थोड़ी देर तक, तो इसलिए आज घर है। क्योंकि ट्रेनिंग मैंने बताया था पहले अपने फैमिली को कि इनकी ट्रेनिंग स्टार्ट हुई है, इसलिए ये आजकल हमारे साथ कहीं कहीं नजर आ जाते हैं, ठीक है। तो अब इसके बाद इंशाल्लाह हम कपड़े चेंज करेंगे और कसाई करवाएंगे, और फिर मैं आपका पहले ही बड़ा नॉर्मल सा सूट है, आप ना चेंज करना उनके महंगे कपड़े, उनको चेंज कर दो। चलो अली आप भी जाओ ना जरा बीच में एंट्री मारो। मामा साथी पूछो तो एक पापा ही लग रहे हो, कचरा रानी लग रहे हो। चले जी सबको ईद मुबारक कह दे इधर, ईद मुबारक, ईद मुबारक पहना, ईद मुबारक, ईद मुबारक। तो जी फ्रेंड्स बकरे हलाल हो चुके, गोश्त बन के आ गया हुआ है, ठीक है। अब मैं गोश्त समेटने वाली थी तो मैंने सोचा एक बार ऐसे ही थोड़ा सा सरसरी आपको भी दिखा दूँ, माशाल्लाह पड़िएगा देखकर, ठीक है। दो बकरे थे हमारे जो हलाल हुए हैं, ठीक है। एक को मैंने मिक्स कर लिया है और दूसरे को मिक्स करके अब इन दोनों को इकट्ठा करके फिर इनके तीन हिस्से तोल कर बनाएंगे और उसके बाद फिर तकसीम बांटना शुरू करेंगे, ठीक है। ये देखें माशाल्लाह, ये देखें, ये एक बकरे का है और ये दूसरे बकरे का है, ठीक है। तो मैं इनको अब ज़रा मिक्स कर लूँ, ठीक है। मिक्स करने के बाद फिर मैं आपको दोबारा दिखाती हूँ। और बाहर बारिश शुरू हो गई है, ये देखें, मोबाइल भीग जाएगा। ये देखें, ये है जी हमारी पहली हंडिया, ठीक है। तो बच्चों को बहुत भूख लगी थी क्योंकि हमारा कसाई काफ़ी लेट, तो बाहर फ्रेंड्स बारिश शुरू हो गई खैर से, ठीक है। ये देखें बाहर बारिश हो रही है। गोश्त को मिक्स करने के बाद, तोलने के बाद अब हमने अपना हिस्सा अलहदा कर लिया है, ठीक है। तो ये देखें, ये हमारी सबसे पहली हंडिया जिसमें मैंने सिर्फ हल्दी डाली है, धनिया डाला है, साबुत लहसुन की गट्ठी डाली है एक, ठीक है, एक टमाटर डाला, दो हरी मिर्चें और दो तीन लेमन काट के डाल दिए हैं, ठीक है। और नमक डाला है इसमें, जायका सिरका डाला इसमें, ठीक है। और थोड़ा सा पानी एक गिलास डालकर इसको बॉयल होने के लिए रखा है। बस ये बॉयल हो जाएगा तो हमारी फैमिली सबसे फर्स्ट जो टाइम गोश्त खाती हैं वो बॉयल गोश्त ही खाते हैं, ठीक है। साथ जो बता अभी आपको दिखाया था बॉयल गोश्त, ठीक है, बच्चे इसी तरह ही खाते हैं ना। मिशल लेमन डाला बेटे ऊपर? नहीं। ठीक है, लेमन भी डालो थोड़ा सा, मैंने इसके अंदर भी लेमन डाला है, और बच्चे ऊपर से थोड़ा सा स्क्वीज करके इसको फिर खाएंगे तो इंशाल्लाह बहुत, और ये बहुत हाजमे वाला होता है। अगर फर्स्ट पहली हांडी ही आप मिर्च मसाले वाला, और वैसे तो हर किसी की अपनी अपनी चॉइस होती है, मगर ये गोश्त मेरे ख्याल से सिरका और लेमन में पका होता है ना, तो ये जल्दी हजम हो जाता है। इसके बाद इंशाल्लाह शाम को हम लोग कोई बनाएंगे नई डिश। मिशल ज़रा अपनी मेहंदी तो दिखा, फिर बाकी मिशल की फुल तैयारी मैं आप लोगों को बाद में दिखाऊँगी। अभी फ़िलहाल मिशल अभी अभी बुटीक से उठ कर आई है, यानी अपना काम ख़त्म करके, ठीक है। बुटीक का ज़ाहिर काम तो उस पहले वो करती रही है अपने, ज़ाहिर वो जो काम बिज़नेस है उसका बहुत सारा माशाल्लाह से काम था। कि मेरा थर्ड डे का सूट, क्योंकि थर्ड डे वाले दिन भी कुछ स्पेशल है जो आपके साथ आगे ब्लॉग में थर्ड डे वाले दिन ही शेयर करूँगी, ठीक है। तो वो इसने अभी स्टिच करना है, मगर वो कल स्टिच करेगी, अभी आज रही आज बस, अब इसकी बस है क्योंकि बहुत थक गई है, सुबह से हम लोग उठे हुए, बल्कि हम लोग पूरी रात सोए ही नहीं हैं। और इस दफ़ा वैसे मैं भी नहीं पूरी रात सोई थी, मगर मैंने सुबह उठ के फिर कसाई के आने में देर थी तो मैंने तो 3-4 घंटे सो के नींद पूरी कर ली है कुछ ना कुछ, तो ये तो बिल्कुल सोई ही नहीं, अब ये सोएगी लंबी तान के, खाना शाना खा के, ठीक है। अब मोबाइल पे अहमद देख ले इसकी शक्ल, हालांकि ये कोई देख रहा है कोई रेसिपी वाली वीडियो, मगर टेंशन इसके फेस पे ही नज़र आ रही होगी आपको कि पेपरों की। अभी 10 मिनट के लिए बस सिर्फ थोड़ा ब्रेक लिया इसने,
खाना खा के भी बैठा था, तो बाकी ये वहाँ ईद बनाकर खाए बगैर ही सोई पड़ी है। और आसम साहब भी अपना काम निपटा कर बाहर वाला और मोबाइल यूज़ कर रहे हैं। हाँ जी, अच्छा था गोश्त वैसे हमारे अल्हम्दुलिल्लाह बकरे का गोश्त का टेस्ट बहुत अच्छा था। कुछ कुछ बकरों के गोश्त का टेस्ट अच्छा नहीं होता, ये बहुत अच्छा था। ये है जी फ्रेंड्स सिरे पाए, ठीक है, जो कि मैं बनने के लिए देने के लिए जा रही हूँ, तो आप भी मेरे साथ बने रहिए, चलिए चलते हैं। हमारा जो पिछला मोहल्ला था वहाँ पर एक औरत बनाती हैं, वो उनके घर में ईद वाले दिन बहुत सारे सिरे पाए बनने के लिए आते हैं, वो जला कर इनको धोकर काट कर फिर वो हमें दे देंगे, और उसके बाद हम इसको धोकर तो मैं फ्रीज़र में रख लूँगी, क्योंकि मेरी फैमिली को अल्हम्दुलिल्लाह बहुत पसंद है सिरे पाए। ठीक है, थोड़ा से अभी तो गर्मी है, मगर ये है कि फिर भी जिस दिन मौसम अच्छा होगा तो फिर बना कर खाएँगे। आप लोगों से प्रॉमिस किया है ना कि सारे मोमेंट अब आपके साथ शेयर किए जाएंगे, और ब्लॉग इंशाल्लाह कोशिश फुल होगी मेरी कि मैं रेगुलर हो जाऊँ कि डेली व्लॉग डालूँ। और जो डेली मेरी लाइफ में हो रहा है, सिंपल सी सादा सी लाइफ है मेरी, तो उसमें जो जो कुछ हो रहा है वो सब आप देखा करें और आपके साथ शेयर करती जाऊँगी। बेशक उसमें इतना मिर्च मसाला नहीं है, ठीक है, कि मैं हस्बैंड की लड़ाइयाँ शेयर नहीं करती, लड़ते तो वो भी हैं मेरे साथ, ठीक है। हर हस्बैंड ही अपनी वाइफ के साथ कभी ना कभी तो उनकी लाइट लड़ाई फाइट होती है थोड़ी बहुत, सब घरों में नोकझोंक तो चलती है, ठीक है, तो बड़ी भी लड़ाइयाँ हो जाती हैं, मगर ये कि मैं शेयर नहीं करती, तो ये कि वो मिर्च मसाला मेरे चैनल पर नहीं है, तो आप फिर भी इसको प्यार दें और देखें, ठीक है। मैंने सामान रख दिया गाड़ी में और अब चलते हैं अपने पुराने मोहल्ले में, यानी अपने पैके के मोहल्ले में, वहाँ जहाँ हमारी बहुत सारी बचपन की पैदाइश की सब यादें वाबस्ता हैं उस मोहल्ले से, ठीक है। बारिश की वजह से देखे गली में कितना पानी और कितना गंद खड़ा हुआ है। सिरी पाए बनने के लिए देने आए हैं, देखो ये बाजी बना रही है। अब पावा उत्ते करिया जेड़ा साड़िया जे, और जेड़ा साड़ दे पैसा जे, ये देखे ऐदे उत्ते चूल्हे उत्ते करो, ये देखे ना, ये अहमद साहब की माशाल्लाह से ड्रेसिंग, ये सैंडल, ठीक है। जैसे सूट सिर्फ हमने चेंज करवा के ब्लैक वापस करके ये वाइट वाला ले लिया था, क्योंकि इसने कहा था जी मैंने वाइट ही पहनना है, मैंने नहीं पहनना ब्लैक, ब्लैक अली ने ब्लैक सेलेक्ट। हाँ जी मिशन, ज़रा मेरी ऑडियंस को भी ईद मुबारक कहो, ईद मुबारक मेरी तरफ से आप लोगों को, ठीक है। बहुत बहुत नींद देख लो, टाइट हुई पड़ी है, आंखें दर्द कर रही हैं, नींद से बुरा शुरू हुआ पड़ा मेरा। चलें जी फ्रेंड्स, तो जी जनाब ईद का सेकंड डे स्टार्ट हो गया, ठीक है, तो जनाब नींद छींद पूरी कर ली है मैंने, सो के उठी हूँ, तो अब मैं बनाने वाली हूँ, क्योंकि आज जैसा कि आपको बताया गया था कि आज है मेरी अम्मी वगैरह की दावत हमारी तरफ, अम्मी नहीं आएंगी क्योंकि उनकी वो इद्दत में है, ठीक है, तो मैं बनाने वाली हूँ खाना, ठीक है, तो जल्दी जल्दी से खाना बनाना स्टार्ट कर लेते हैं, तो आपको दिखाती हूँ साथ साथ कि मैंने क्या बनाया है। पूरा खाना कंप्लीट करके उनके आने से पहले कोशिश करूँगी कि रख लूँ, ठीक है। पहले ही मैंने नहा धो के फ्रेश होकर कपड़े चेंज कर लिए हैं, ये सूट जो मैंने पहना हुआ है ये सरप्राइजली मेरे हस्बैंड ने ईद वाले कपड़ों के अलावा, आपको बताया था कि ईद दफ़ा ईद की शॉपिंग सारी अली ने करवाई है, तो जो बेसिक मेरा मेन ईद का सूट है वो कल हमारा एक ख़ास मौका है हमारे फैमिली में, तो वो उस पर मैं पहनूंगी, तो वो आप कल देख लीजिएगा ईद के थर्ड डे मतलब, ठीक है। और जो बाकी सेकंड डे का था वो मेरा ये है, ये मुझे सरप्राइजली मिशेल ने इस्त्री करके दिया है कि ये पहने आप, ये बाबा ने लिया। ये देखें जी, ये है मटन कढ़ाई, माशाल्लाह माशाल्लाह कितनी अच्छी लग रही है। सिर्फ एक चीज़ की कमी है कि जो धनिया हम लोग लाई थी मैं ईद से पहले, वो धनिया मतलब कुछ ठीक नहीं था, फ्रेश तो आजकल इतना ज़्यादा मिलता भी नहीं, वो ठीक नहीं था, वो था गल गया है, और आज धनिया मिला ही नहीं, तो कितनी नंगी नंगी और अजीब सी हड्डियाँ लग रही है, ठीक है। और ये हैं जनाब मैंने बनाए हैं राइस, ठीक है, मटन वाले ही राइस हैं, और मटन कढ़ाई बनाई है, साथ साथ बनाया ये सैलड, और ये जी बनाए हैं शामी कबाब, साथ होंगी रोटियां, साथ होगी बोटल, साथ उसके अलावा जनाब हम लोग आइसक्रीम। तो ये देखें जी फ्रेंड्स, लग गया दस्तरखान, ठीक है, और आपको पता है ना कि छोटा भाई मेरा ना वो ब्लॉग बनाने के, हाँ कि वो ना साथ कौरमा नहीं, कढ़ाई वो है, कढ़ाई टाइप ही चीज़ बनाई है हमने, कौरमा भी नहीं कह सकते, कढ़ाई भी नहीं, मटन कढ़ाई है, मटन ही वाले ही चावल हैं, और ये मटन वाले ही कबाब हैं, ठीक है। ज़ाहिर है आपको पता है ईद हो और मटन ना हो ऐसा तो हो नहीं सकता, ठीक है। खाना मैंने लगा दिया है, इसके बाद आइसक्रीम भी होगी, ठीक है।
तो जी फ्रेंड्स, ये था मेरे ईद के पहले और दूसरे दिन का व्लॉग। उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगा होगा। खाने मैंने खाना लगा दिया, आप बुलाते हैं मेहमानों को खाने के लिए, ठीक है। और मेरी अम्मी जान नहीं आई हुई साथ, क्योंकि वो इद्दत में हैं। हमने बहुत इन्जॉय किया, बहुत मज़ा किया, गपशप की सब ने। आज का व्लॉग इतना ही था। आपको पसंद आए तो लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, खुश रहिए। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह।